नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से कांटेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल करने की डिमांड उनसे कर सकते हैं। आपके क्या प्राइसेस वो आपको ऑफर करेंगे, आपको किस तरह से नेगोशिएट करना है और किस तरह से आपको एक स्पॉन्सरशिप दे सकते हो उन्हें और वो भी सस्ते में। तो यार आज इसके बारे में पूरी बात करेंगे, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो यार सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें इंस्टाग्राम पे जाकर एक इन्फ्लुएंसर ढूंढना होता है। जैसे कि अगर हमें अपनी टी शर्ट सेल करनी है, सपोज फॉर एग्जांपल ले लीजिए, तो मैं एक ऐसा टी शर्ट पे एक डिज़ाइन बनाई है, जैसे कि एक डॉग के रिलेटेड मैंने टी शर्ट पे डिज़ाइन बनाई है, तो मुझे ऐसे इन्फ्लुएंसर को इंस्टाग्राम पे ढूंढना होगा जो कि डॉग के रिलेटेड जिसका पेज हो और वो डॉग के रिलेटेड पोस्ट करता हो। ठीक है, तो अब मैं ऐसा इन्फ्लुएंसर ढूंढूंगा जिसके 50,000 से ज़्यादा कुछ फॉलोवर्स हों और जो कि डॉग के रिलेटेड पोस्ट डालता हूँ। ठीक है, तो हम उसके पास जा सकते हैं उस टी शर्ट डिज़ाइन को लेके और उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार उसे रिक्वेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा वीडियो बनाना है, ना कि आप डायरेक्ट मैसेज और उसको DM करना है, मतलब कि मैसेज करना है आपका वीडियो। वीडियो देखने से उसको क्या होगा कि ये यकीन होगा कि आप जेन्युइन इंसान हैं और आप बाकी भीड़ से अलग दिखेंगे, क्योंकि उसके पास हजारों मैसेज आते रहते हैं रोज के रोज, तो वो ज़्यादातर मैसेजेस को इग्नोर करता है। लेकिन जब आप उसे पूरा अपना वीडियो भेजोगे, उसमें आपको यही बोलना है, हाय आई एम दीपक पटेल, आई वॉन्ट यू टू प्रमोट माई प्रोडक्ट, वट आर योर प्राइजेस, कैन यू सेंड इट टू मी। बस इतना सा वीडियो बोल के आपको उसको DM करना है, यानी कि मैसेज करना है इंस्टाग्राम पे, और आप हमेशा आउट दिखेंगे, स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड दिखेंगे, क्योंकि बाकी सब लोग सिर्फ और सिर्फ मैसेज करते हैं और मैसेज तो इन्फ्लुएंसर्स के पास हजारों आते हैं, लेकिन वीडियो सिर्फ आप जेन्युइन हो इसीलिए आपने पूरा वीडियो बना के भेजा है, तो वो ज़रूर से आपको कॉन्टैक्ट करेगा और अपने प्राइजेस आपके साथ शेयर करेगा। अब वो जब आपकी आपको प्राइजेस शेयर करता है, जैसे कि उसने बोला कि सपोज $100, तो आपको सीधी हाफ ही प्राइस बोलनी है, इसे कहेंगे नेगोशिएशन, आपको नेगोशिएशन करना पड़ेगा। अगर वो $100 बोलता है, आपको $50 बोलना है, और अगर वो उसके बाद आपको 100 और 50 के बीच में प्राइस सेट करनी है, लेकिन वो जितनी प्राइस बोलता है उससे बहुत ज़्यादा कम कर सकता है, इसके 100% चांसेस रहते हैं, इसीलिए आप हमेशा पूरी की पूरी प्राइस देने के लिए कभी अग्री मत कीजिए जितनी वो प्राइस देता है, हमेशा कम करवाने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी जो भी स्पॉन्सरशिप हो वो सस्ते में आप उसे दे दो और वो आपके प्रोडक्ट को जब प्रमोट करे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो इस तरह से किया जाता है। तो इंस्टाग्राम के लिए तो आप सीधा वीडियो मैसेज भेज दीजिए, ये मत कीजिए कि यार टेक्स्ट मैसेज आप भेजोगे, ठीक है हो सकता है कि शायद देख भी ले या अटेंशन आ जाए, लेकिन वो सीरियसली आपको नहीं लेगा। लेकिन अगर आपने वीडियो मैसेज भेजा है उसे DM करके, तो यार वो आपको सीरियसली लेगा और उसे पता चलेगा कि यार दिस इज अ जेन्युइन पर्सन। अगर आप उसका ईमेल आईडी अगर आपको उसके बायो में मिल जाता है, तो आप उसे ईमेल भी भेज सकते हैं और उसमें भी आप वीडियो भेज सकते हैं, ईमेल में भी एक शॉर्ट वीडियो, 30 सेकेंड का वीडियो सिर्फ, इसमें आपको इतना बोलता है, हेलो आई एम दीपक पटेल, आई जस्ट वॉन्ट टू प्रमोट माई प्रोडक्ट ऑन योर चैनल, कैन यू प्लीज सेंड मी द प्राइजेस। इस तरह से आपको लिख के एक ईमेल भेज सकते हैं उसकी ईमेल आईडी पे। वो लोग रोज ईमेल्स चेक करते हैं क्योंकि इसी तरह उन्हें स्पॉन्सरशिप्स मिलती है, तो आप ईमेल से भी अपना काम कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की बात हो गई। यूट्यूब के लिए भी सेम है, आपको बस 30 सेकेंड का अपना वीडियो बना के उन्हें भेजना है कि यार मुझे ये चीज़ आपसे करवानी है, आप अपने प्राइजेस भेजो मेरे पास। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल हो जाता है। तो यार अगर आपको टी स्प्रिंग वाली टी शर्ट्स या इस तरह की कुछ टी शर्ट्स बेचनी है जो कि आपको फॉरेन करेंसी में मिलती है या तो फिर US डॉलर्स में, तो अगर आप इंडियन कस्टमर्स को डायरेक्टली बेचने जाओगे तो ये थोड़ी महंगी पड़ेगी और शायद वो ना खरीदे। इसीलिए अगर आप टी स्प्रिंग के स्पेशली टी शर्ट्स सेल करना चाहते हो, अपनी डिजाइंस को सेल करना चाहते हो, तो आपको ये टारगेट करना पड़ेगा एक तरह का, जैसे कि डॉग के रिलेटेड टी शर्ट प्रिंट बनाइए तो डॉग के रिलेटेड जो भी पेज है उसे ही देना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपने किस टॉपिक के रिलेटेड टी शर्ट बनाइए उसके रिलेटेड आपको टी शर्ट
वहां पे उस इन्फ्लुएंसर को देनी है प्रमोट करने के लिए। तो ये बहुत ही जरूरी हो जाता है, आपको पता होना चाहिए कि आप किसे बेच रहे हैं और कौन से ऑडियंस होगी जो आपके इस डिजाइन में इंटरेस्टेड होगी, ठीक है। तो ये आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो ये धीरे धीरे आपको समझ में पड़ेगा, धीरे धीरे पता चलेगा। और आप इसे डायरेक्ट इसे वीडियो मैसेज के रूप में अगर भेजते हैं तो यार आपका आप बाकी क्राउड से एकदम अलग दिखोगे और जेन्युइनली वो आपको एक ना एक बार तो कंसिडर उसे करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने वीडियो मैसेज भेजा है और आप बाकी क्राउड से अलग हो और उसका अटेंशन ग्रैब कर लोगे इस तरह से। तो इस तरह से आप इन्फ्लुएंसर से बात कर सकते हो। यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी सेम होता है, तो यूट्यूब पे अबाउट जैसे ही हम चैनल ओपन करते हैं वहां पे एक अबाउट सेक्शन होता है, वहां पे एक इन्फ्लुएंसर ने अपनी एक ईमेल आईडी दी होती है जिसपे आप मेल भेज सकते हो और पूछ सकते हो कि यार मुझे स्पॉन्सरशिप के लिए, वहां पे आप मेल भेज सकते हो और वो आपको रिप्लाई करेगा अगर वो आपकी स्पॉन्सरशिप में इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर आप इसमें भी वीडियो का यूज करते हो तो यार बहुत ज्यादा चांस हो जाता है कि यार आप पक्का आपको रिप्लाई आने वाला है गारंटी के साथ। तो ये कुछ दो सिंपल ट्रिक हो गई जिससे आप इन्फ्लुएंसर के अटेंशन को बहुत जल्दी गेन कर सकते हो। दूसरी चीज, हमेशा नेगोशिएट करो, कभी मत भूलो यार जितनी भी प्राइस वो बोलता है वो कम जरूर करेगा, ठीक है। तो अगर वो बोल रहा है कि इतनी प्राइस दूंगा $100 तो आप 50 बोलो, लेकिन कभी भी वो जितनी प्राइस बोल रहा है उतनी पूरी प्राइस पे अग्री मत करना, कम करना, जितना कम हो सके उतना कम करवाने की कोशिश करना ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। तो यार उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको पता चला होगा कि किस तरह से आपको काम करना है। आपको कुछ नहीं करना है, एक 30 सेकेंड का वीडियो बनाना है, उसमें अपना नाम बताना है और जिस भी प्रोडक्ट को आप प्रमोट करवाना चाहते हो उसके बारे में बताना है। तो बस इतना ही बना के आपको उस इन्फ्लुएंसर को सेंड कर देना है। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्या बोलना है, फिर से एक बार बता देता हूँ। हेलो, माय नेम इज दीपक, आई वांट टू सेल अ टी शर्ट ऑन योर इंस्टाग्राम पेज या तो फिर यूट्यूब चैनल, ठीक है, एंड दिस इज इट्स डिजाइन, इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर और प्लीज रिप्लाई टू मी। बस इतना सा आप लिख दीजिए, वो आपको खुद रिप्लाई करेगा अपने प्राइसेस के साथ और उसके बाद आप उसके साथ प्राइसेस को नेगोशिएट कर सकते हैं और इस तरह से आप इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को सेल करवा सकते हैं। तो ये एक तरीका हो जाता है यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स से इस तरह से काम करवाया जाता है। ट्विटर इन्फ्लुएंसर्स से भी आप इसी तरह से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। तो ये कुछ तरीके हो जाते हैं जिनका इस्तेमाल कई लोग करते हैं, जिनका इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बना के हर कोई नहीं भेजता, कोई इतनी मेहनत नहीं करता। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।